नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। तो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, हमारे लड्डू जी बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी, अभी इनका श्रृंगार भी होगा। तो मैं सुबह सुबह इनको हैप्पी बर्थडे कहने आई हूँ, उसके बाद आपका दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करूँगी। आप भी जल्दी से कह दीजिए कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे। मेरे सभी दोस्तों के लिए मेरी ये मनोकामना है दोस्तों कि हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण जी के अपने जन्मदिन पर आप सभी को यश, कीर्ति, बल, बुद्धि, विद्या, धन सभी कुछ प्रदान करें, और दोस्तों आप सभी के घर में सुख समृद्धि हमेशा वास करे, और रिद्धि सिद्धि और गणेश जी हमेशा हर संकट को हरे। तो दोस्तों देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, अभी और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे जब अपनी प्यारी प्यारी सी ड्रेस पहन लेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। हो सका तो मैं इनके श्रृंगार का शॉर्ट भी आप लोगों को बना कर दूंगी कि इनका श्रृंगार कैसा हुआ। तो दोस्तों अब वहाँ चलते हैं जहाँ हमारा मेन डेस्टिनेशन होती है सुबह सुबह की। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारे ढेर सारे प्यारे प्यारे प्लांट्स, और अभी भी मेरी आंखों पर सूर्य देवता जी चमके। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ एक व्यू सूर्य देवता जी का भी। तो सूर्य जी को भी नमस्कार, और जन्मदिन की उनको भी बहुत बहुत बधाई। सूर्यदेव जी को नमस्कार करने के बाद दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने प्लांट्स की तरफ, और देखते हैं कि कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हमारे आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खिले हैं, और कौन कौन से फूलों ने हमारे कृष्ण भगवान जी को विश किया है। प्रकृति तो दोस्तों एक ही है, और जितने भी फूल खिल रहे हैं समझिए सारी ही प्रकृति हमारे कृष्ण भगवान जी को विश कर रही है बर्थडे पर। तो दोस्तों बर्थडे उनका आज भी है, कल भी है, तो इसीलिए हम दोनों ही दिन मनाएंगे। और अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये एक मॉर्निंग का छोटा सा वीडियो है, और इस छोटे से वीडियो में जो मैं शुरुआत करूँगी वो ये करूँगी कि कृष्ण भगवान जी को आज कौन कौन से पुष्प आप लोगों को चढ़ाने हैं। दोस्तों कृष्ण भगवान जी के श्रृंगार में और उनके प्रिय फूल हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस के फूल आप लोगों को ज़रूर चढ़ाने हैं। ये एक फूल बताया है मैंने आपको, ये एक फूल है जो कि आप जिनसे आप श्रृंगार कर सकते हैं अपने कृष्ण भगवान जी का, और उन्हें अति प्रिय हैं। सेकंड फूल है दोस्तों हमारा अपराजिता का। तो अपराजिता में आज हमारे देखिए नीले फूलों ने भी अपराजिता ने दर्शन दिए हैं, और इन सभी को हम चढ़ाएंगे हमारे कृष्ण भगवान जी पर। इसके अलावा दोस्तों हमारे सफ़ेद फूलों ने भी दर्शन दिए हैं, तो सफ़ेद अपराजिता भी बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, तो इन सभी से हम कृष्ण भगवान का श्रृंगार करेंगे। इसके अलावा दोस्तों गुलाब भी कृष्ण भगवान जी पर चढ़ाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर चार चार गुलाब खिले हुए हैं, तो ये देसी गुलाब है, इन्हें भी हम कृष्ण भगवान जी पर ज़रूर चढ़ाएंगे। नेक्स्ट फूल है दोस्तों बेला का। तो बेला के जो हमारे फूल होते हैं वो नीचे खिले हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो ये पेड़ है इसमें थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी है, तो न्यूट्रिशन मैंने इसमें दिया है, इसमें जल्दी फूल आएंगे, और ऐसी बात नहीं है, फ्लावरिंग इसमें होती रहती है आप लोग देख सकते हैं, और अभी इसमें और न्यूट्रिशन देना बाकी है, और इसमें और ज़्यादा न्यूट्रिशन से और ज़्यादा फूल आएंगे। अभी जो फूल आए हैं वो देखिए इस तरह से गिर गए हैं। तो बेला का फूल भी आप लोग दोस्तों ज़रूर चढ़ाइए हमारे कृष्ण भगवान जी पर। और ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा है ये वाला चांदनी का फूल। चांदनी के फूल में मल्टी पेटल और सिंगल पेटल सारे ही फूल हमारे कृष्ण भगवान जी को अति प्रिय हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग चढ़ाइए चंपा का फूल। चंपा के फूल भी सफ़ेद सफ़ेद और सुंदरता बिखेरते हैं, तो चंपा में नाग चंपा और चंपा के दोनों ही फूल आप लोग कृष्ण भगवान जी को अर्पण ज़रूर कीजिए। अभी हमारा कोई लोटस खिला होता तो लोटस को भी ज़रूर हम कृष्ण भगवान जी पर अर्पण करते दोस्तों, लेकिन अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें बन रहे हैं ये देखिए सीड्स। तो ये देखिए दो सीड्स तो मुझे बिल्कुल प्रिपेयर्ड लग रहे हैं इसमें, और काले काले होने वाले हैं। तो ये जो दो सीड्स हैं ना कमल के, ये दो सीड्स हमारे लक्ष्मी माता जी के लिए हैं दोस्तों। ये मैंने दिवाली तक बनने के लिए छोड़े हैं, देखते हैं कितने टाइम में बन जाते हैं, और ये मैं लक्ष्मी माता जी को चढ़ाऊंगी। और ये मेरा फर्स्ट सीड पॉट है मेरे लोटस से, नहीं तो मैं सारे ही लोटस को तोड़ लेती थी।
इसके अलावा दोस्तों अभी सुबह सुबह की शुरुआत है तो सारे ही फूल अभी बंद है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे जितने भी अलमंडा के फूल हैं, अलमंडा के फूलों को भी हम लोग दोस्तों ज़रूर अपने कृष्ण भगवान जी पर चढ़ाएंगे। और सी हिबिस्कस का फूल भी, हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी हो दोस्तों कृष्ण भगवान को अति प्रिय होती है। ये देखिए सी हिबिस्कस के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया कि ये सुबह सुबह बिल्कुल पीला होता है, फिर धीमे धीमे करके दोस्तों ये नारंगी होना शुरू होता है। ये देखिए जैसा कि यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए ये इस तरह होकर गिरता है, ये यही फूल है और ये इस तरह होकर गिर जाता है। धीमे धीमे करके ऑरेंज होता है, दिन में ऑरेंज रहता है, सुबह पीला रहता है और शाम के समय लाल हो जाता है। डबल में देखिए दोस्तों, डबल में कितना प्यारा हिबिस्कस खिला हुआ है। तो दोस्तों फूलों की हम जितनी बात करें उतनी कम है। आप सभी के गार्डन में जितने फूल खिले हुए हैं उन सभी को बस तोड़िए और भगवान जी पर चढ़ा दीजिए। आज दोस्तों जो कृष्ण जन्माष्टमी है, आज बहुत ही ज़्यादा मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है। माना जाता है कृष्ण भगवान जी से जो मन लगा ले दोस्तों उसका कभी बुरा नहीं होता। तो ज़रूर से कृष्ण भगवान जी में भी श्रद्धा जगाएँ, फूल चढ़ाएँ और दोस्तों कृष्ण भगवान जी को भी अच्छी तरह से आज श्रृंगार करें। उनका बर्थडे है, अपने बर्थडे पर हम बर्थडे केक लेकर आते हैं, नई नई ड्रेसेस पहनते हैं। ख़ास तौर पे दोस्तों लड़की, मैं भी लड़की हूँ तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि अपनी न्यू ड्रेस पहने, न्यू बर्थडे केक लेकर आए, फ़ोटो क्लिक करें और पूरा रूम बलून से सजाएं। तो दोस्तों आप लोगों से जितना हो सके उतना आप लोग कीजिए। कृष्ण भगवान जी का बर्थडे है, हमसे भी ज़्यादा बड़ा बर्थडे आज है। तो आज इस दिन को बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से मनाएं, अपने दिमाग में बिल्कुल भी क्रोध ना लाएं और ना ही दोस्तों आप लोग अपने मन को ख़राब कीजिए किसी भी बात से। ना आज कोई टेंशन, ना कोई डिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप लोग अपनी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाइए एक खुशी के मन से। क्योंकि देखिए दोस्तों जब हमारा बर्थडे होता है हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तब हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी दिन कोई टेंशन हो जाए, कुछ बात ऐसी हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इवन जो बर्थडे बॉय गर्ल जो भी होता है उन सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और वो अपना बर्थडे वैसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते जैसे हम लोग करते हैं। वैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भी अपने अंदर क्रोध ना लाएं, आज का दिन बेहद ही हंसी खुशी मनाएं और अपने आप को दोस्तों कृष्ण भगवान जी, हमारे लड्डू जी का एक तरह से बर्थडे सेलिब्रेटर मैनेजर मानिए कि आप भी मैनेज कर रहे हैं उनके बर्थडे को। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल था। आज के वीडियो में एक सेकेंड वीडियो भी आएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा।